हेलो एवरीवन, मैं अभिनीत अभी इस किचन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी शाही मुतंजन। मुतंजन को जरदा भी कहा जाता है, शादियों वाला जरदा, मीठे चावल जिसे हम कहते हैं। ये बनने में बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है, दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बस इसे बनाते वक्त आप थोड़े से स्टेप्स फॉलो कीजिए, थोड़े से टिप्स का जो यूज़ कीजिए जो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही बढ़िया ये ज़रदा आपका बनकर आएगा। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मुतंजन बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप चावल और इसे अच्छे से धोकर 1 घंटे के लिए भिगोकर पानी में रखें। यहाँ मैं नॉर्मल चावल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सेला चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। मुतंजन बनाने के लिए हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और कटे हुए नारियल। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लेंगे 3/4 कटोरी मावा, या जिसे खोया भी कहते हैं। फूड कलर्स मैंने यहाँ 4 डिफरेंट टाइप्स के लिए हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो। और हमें चाहिए ग्लेज्ड चेरी, या आपको डिपार्टमेंट स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसका यूज़ ऑप्शनल है। और अब हम यहाँ लेंगे 3/4 कप चीनी। वैसे तो चावल और चीनी बराबर मात्रा में लिया जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसे 3/4 कप यूज़ कर सकते हैं। चावल को मैंने भिगो कर रख लिया है। सबसे पहले हम चावल बनाएंगे। चावल बनाने के लिए हम डालेंगे 4 गुना पानी, यानी कि अगर हमने 1 कप चावल लिए हैं तो हम 4 कप पानी डालेंगे। और चावल को हमने 85-90% तक पकाना है। पानी में उबाल आने लग जाए तब आप इसमें भीगे हुए चावल डालें। चावल को भिगो के रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो इसे आधा घंटा भी भिगो कर रख सकते हैं। और इसका आपको ये ध्यान रखना है कि चावल को हमें सिर्फ 85% तक ही कुक करना है, कम्प्लीटली नहीं पकाना है। अगर आप चावल को 100% कुक कर लेंगे तो जर्दा बनाते वक्त जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो चावल पूरी तरह से ही मिक्स हो जाएंगे, खिले खिले नहीं बनेंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आपको इसे 100% कुक नहीं करना है, 85% तक हम इसे कुक करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसे ढककर तेज़ आंच पर करीब 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम बंद कर दें। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे पक चुके हैं। इसे चेक करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये देखिए फ्रेंड्स, 85% तक के चावल कुक हो गए हैं। आप हाथ से इस तरह से चावल को तोड़ कर देखिए, ना ये कच्चे होंगे ना ये पूरी तरह पक्के होने चाहिए। इस तरह से अगर ये पक जाएं तो समझ लीजिए कि जर्दा बनाने के लिए जो चावल हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक नॉनस्टिक पैन और उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच देसी घी। जर्दा बनाने के लिए यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं देसी घी का, क्योंकि जर्दा और मुतंजन जो है उसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो देसी घी में ही बनकर आता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप देसी घी में ही इसे बनाएं। अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी इलायची, इसे मैंने दरदरा पीस कर डाला है, आप चाहें तो इसे साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसे 10 से 15 सेकंड के लिए भून लें, जब तक कि इलायची की खुशबू ना आने लग जाए। कुछ लोग इसमें लौंग का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे लौंग का फ्लेवर इतना पसंद नहीं है तो मैंने इसे यहाँ स्किप कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे 85% कुक्ड राइस। चावल जो हैं हमने इसे कम्प्लीटली नहीं एकदम से डालने हैं, हाफ हाफ करके हम इसे डालेंगे। इस तरह से इसकी एक लेयर डालें चावल की। इसके ऊपर हम डालेंगे शुगर, चीनी की भी हमने एक लेयर इसमें डालनी है, एक साथ पूरी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब फिर से एक लेयर हम चावल की डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हमारे 85% कुक्ड राइस इसके ऊपर, चीनी के ऊपर इसकी लेयर लगा दी है। अब इस चावल के ऊपर हम फिर से चीनी डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे 2 इंस्टॉलमेंट्स में राइस और शुगर को डालेंगे।
अब हम इसे ढककर धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम देखेंगे कि चीनी चावल में अच्छे से घुल चुकी है, चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए तेज आंच पर पकाएंगे ताकि थोड़ा पानी सूख जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 लेयर भुना हुआ मावा या खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है या आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आपके घर पर कोई भी बची हुई मिठाई पड़ी हो, चाहे वो बर्फ़ी हो, पेड़ा हो, आप उसे क्रश करके इन राइस के ऊपर इस तरह से लेयर डालें। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नारियल का, कटे हुए नारियल की स्लाइसेस, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, आप चाहें तो अखरोट, क्रैनबेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका मन करे आप वो ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। मावा और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करते वक्त ध्यान रखें हल्के हाथ का ही यूज़ करें, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। अब हम इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि मावा और जो ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर है वो राइस में अच्छे से आ जाए। पकाते वक्त आप ध्यान रखें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही आपने इसे पकाना है। एक से दो मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मिक्स करते वक्त आप ध्यान रखें कि आपको हल्के हाथ का ही यूज़ करना है, नहीं तो राइस टूट जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर्स। यहाँ मैं लिक्विड फूड कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। 4 डिफरेंट कलर्स मैंने यहाँ लिए हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज। अगर आपके पास लिक्विड फूड कलर्स नहीं है तो आप पाउडर कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 चुटकी या 2 चुटकी थोड़े से पानी में डालकर घोल लें और कलर तैयार करें। इन कलर्स को आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालें और अब हम इन कलर्स को मिक्स नहीं करेंगे, हम इस तरह से ही इसे पकाएंगे। करीब 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे धीमी आँच पर पकाएंगे ढककर। कलर डालने के बाद हमें इसे दम पर पकाना है। दम पे पकाने के लिए आपको क्या करना है, एक तवा रखेंगे और उसके ऊपर वो बर्तन रखेंगे जिस पे आप ज़र्दा पका रहे हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे और स्टिकी भी नहीं होंगे। 5 मिनट के बाद आप इसे इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लें ताकि ये जो हमने 4 डिफरेंट कलर्स डाले हैं ये एक दूसरे में मिक्स ना हो। ये देखिए, हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करें, बहुत ही बढ़िया इसका कलर लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई ग्लेज चेरी। अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी का भी यूज़ कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब डालें थोड़े से मावे, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ बादाम, नारियल, काजू, आप जो भी डालना चाहें उसके ऊपर थोड़ा सा और गार्निश करें और इसे इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स करें। गैस की आँच बंद कर दें। मुत्तंजन हमारा परफेक्टली बनकर तैयार है, बहुत ही खिले खिले चावल बने हैं। शाही मुत्तंजन, मीठे चावल या शाही जर्दा, और इसे शादी वाला जर्दा भी कहा जाता है, ये हमारा परफेक्टली बनकर तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इसके लिए आप एक प्लेट में तैयार चावल डालें। इस तरह से इसे प्लेट में निकालें। बस आप मुत्तंजन बनाते वक्त जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं कि आपको इसे 85% ही कुक करना है और जब आप चावल को पकाएंगे तो 4 गुना पानी का इस्तेमाल करें, और जो मैंने टाइमिंग्स और टेम्परेचर बताया है कितनी देर के लिए आपने इसे पकाना है उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मुत्तंजन बहुत ही परफेक्टली बनकर तैयार होगा। अब इसके ऊपर डालें थोड़ा सा भुना हुआ मावा। आप चाहें तो इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर आपके घर पर अगर कोई बची हुई मिठाई है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे गुलाब जामुन से। आप इस स्टेप को अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर मिठाई है तो आप उससे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। चांदी का वर्क लगाकर ऊपर से इसे गार्निश करें। ये देखिए, हमारा शाही मुत्तंजन जर्दा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रमज़ान स्पेशल शाही मुत्तंजन की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।